तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के उस स्क्रीन पे। तो चलिए हम आज आप लोगों को बताता हूँ कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में मतलब कि अपना गाना रिकॉर्ड कैसे करते हैं निंड 4 के ज़रिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को इन ओपन करते हैं। ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर जो निंड 4 है और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा, 10-15 सेकेंड ओपन हो जाएगा और इसमें हम काम करते हैं। और ये रहा मेरा ओपन हो गया सॉफ्टवेयर। और जो भी हम काम करेंगे सिर्फ निंडो के अंदर जो प्लागेंस होगा उससे ही काम करेंगे, बाकी का अदर प्लागेंस से हम काम नहीं करेंगे। तो हमारा शॉर्टकट है, इंटर करेंगे, फिर उसके बाद मैं डेस्कटॉप पे मेरा साइड ऑडियो जाएगा, फिर इंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ से ऐड ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में चलिए हम मोनो पे ही आप लोगों को सिखाता हूँ सिर्फ रिकॉर्डिंग का। और यहाँ से क्या करेंगे कि इस पे रिकॉर्ड इनेबल पे क्लिक कर देंगे तभी मेरा गाना रिकॉर्ड हो पाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे कि हम एक कोई इफेक्ट ले लेंगे, और जैसे कि मेरे पास डायनेमिक में एक मेरा ऑटो टोन है, ये मेरा अलग से मैं इसको डाला हूँ, आप लोग भी ऑटो टोन डाल लीजिएगा अलग से। और ये रहा मेरा ऑटो टोन, और जो कि इसमें क्या है कि ये आल्टो में कभी भी आल्टो में आप रिकॉर्ड करो, जब गाना आपका सुर इधर उधर भागे कभी ऊपर नीचे जब सिंगर करे तो समझो कि आल्टो में आप रिकॉर्ड कभी भी करना। तो हम आल्टो में कर देते हैं और मेरा ये सी माइनर मेजर रहेगा। तो मैं इस पर क्लिक किया। उसके बाद में क्या करना दोस्तों कि इसको आप पूरा का पूरा 1500 कर देना और इसको भी 1500 कर देना और इसको भी आप पूरा 100 कर देना। उसके बाद में क्या करना कि ये बराबर है, ये 15 50 बराबर है और ये भी 20 इस पर रहने देना। इसको बाद में जब रिकॉर्डिंग कर लेना उसके बाद में आपको माइनस कर लेना। फिर उसके बाद में ये आपको क्या करना, 3-2 को क्लिक करके फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको 3 पे इसको यहाँ कर देना और 2 पे यहाँ कर देना। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना कि आपको यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप स्टार क्लिक करके आप रिकॉर्ड चालू कर सकते हो। जैसा कि मेरे को एक गाना रिकॉर्ड करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे पिया रे। चलो मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग अपना पूरा कर लेना। और चलो मैं आप लोगों को बताया हूँ और आप अपना गा के पूरा कर लेना। चलो मैं इसको थोड़ा सुनाता हूँ आपको। ये मेरा ऑटो टोन लगा के साथ में है और हम बगैर ऑटो टोन का ही सुनते हैं एक बार कि कैसे आया है। और चलिए सॉरी, ऑटो टोन हम बंद करके एक बार फिर सुनते हैं। दोस्तों क्या है कि इसका सिस्टम क्या है,
कि ऑटो टोन आपको सेट करना पड़ता है, खुद से सेट करना पड़ता है कि आपको किस मतलब स्केल में आपको गाते हैं, आपको स्केल मालूम होना चाहिए सबसे पहले। तो हमको मालूम था तो मैं अपना स्केल लगा लिया था, सी मेजर मैंने लगा लिया था, और उसके बाद में क्या है कि मैं आल्टो में ही रिकॉर्ड कर किया था। तो इसके लिए मेरा जो ऑडियो था वो कुछ क्वालिटी में इस तरीके से आया था, आपको मैं सुनाता हूँ फिर से। और क्या है दोस्तों कि अभी मैं आप लोगों को ऐसा दो तीन प्लगइन्स लगा के दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं कि हाँ यार ये तो निंडू का रिकॉर्ड है, आपको ऐसा लगेगा कि क्यूबेस 5 का रिकॉर्डिंग है, और इसमें अदर भी मतलब प्लगइन्स डाला हुआ है जैसे कि कान्हा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इस तरीके से जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए मैं आप लोग को वो भी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लाइव वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कटिन वटिन है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक कंप्रेसर डालते हैं। कंप्रेसर डालने के लिए क्या करते हैं, ये भी सुन सुन के डालेंगे। या अगर आपको ऐसा सेटिंग नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे प्रीसेट बहुत से पड़ा हुआ है जो कि आप यहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको टेस्ट नहीं दिखा, देख लेते हैं इसका क्वालिटी क्या है। और जैसे कि मानते हैं कि ये मेरा कंप्रेशर हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा डिले तो चाहिए ही गाना में, कि कोई स्लो सॉन्ग या फास्ट सॉन्ग उसमें तो डिले ही रहता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पिंग पोंग डिले थोड़ा लगाते हैं, इसको 7 पे रखेंगे हम, 9 पे हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 क्लिक करेंगे, 7 00 सॉरी यार, इसको आपको 7 पे रखना है तभी आपको क्या है ना अच्छा। और उसके बाद में क्या है, फीडबैक, फीडबैक पे भी थोड़ा ही रखने का। और ये जो डीले का है इसमें भी, डीले में भी थोड़ा बढ़ा के रखना तभी आपका आवाज़ में थोड़ा मज़ा आएगा। देखिए लगता है कि ये मेरा 35 पे रहना चाहिए। इसको 2 पे रखते हैं, पिंग पॉन्ग डोलो को डीलो को 3 पे रखते हैं। और उसके बाद में हम एक और चीज़ लगाएंगे जिससे आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगता है, आप लोग कभी लगाए नहीं होंगे, आप इसको लगा के आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेकिन हिसाब से लगाइएगा। ये सब नहीं लगाते हैं, जैसे रितेश पांडे के गाने में ये ज़्यादा करके यूज़ होते हैं, रितेश पांडे जो सिंगर हैं उनके गाने में ज़्यादा करके यूज़ होता है। ये हुआ, उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे कि ये फ्लेंगर हुआ,
फ्लिंगर भी लगा सकते हैं आप दोस्तों, क्या है ना इससे भी आवाज़ ज़बरदस्त लगता है। आपको कोई बताया नहीं होगा, ये सब छुपा के रखते हैं लोग, लेकिन मैं आप लोगों को लाइव बता रहा हूँ क्योंकि ये छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए दोस्तों कि ये मेरा रहा, और मैं सादा गाना आपको सुना रहा हूँ जो कि सादा रिकॉर्ड है। और ये रहा रिकॉर्डिंग, सुनिए मिक्सिंग किया हुआ। तो दोस्तों ये मेरा रहा पहला वीडियो और इसको मैं सेव नहीं करने वाला हूँ, तो डोंट टू सेव पे मैं क्लिक करूँगा, डिलीट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके उड़ा दूंगा। फिर उसके बाद में दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि सीखना चाहते हैं। ये मेरा निंडो 4 का पहला वीडियो रहा और मैं आप लोगों को एक से एक जानकारी देने वाला हूँ, और आपको कैसे जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करें या मुझे आप फ़ोन करके भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फ़ोन ना करें। और उसके बाद में मैं एम के माइकल आपसे लेता हूँ विदा, गुड बाय।